ऋतिक रोशन के साथ अपने रिश्तों को लेकर आए दिन कोई न कोई विवादित बयान देने वाली कंगना रनौत ने हाल ही में एक और नया बयान दिया है। अपने एक इंटरव्यू में बरखा दत्त से बातचीत के दौरान कंगना ने कहा कि हालांकि मैं करण जौहर की फिल्मों की फैन नहीं हूं, बावजूद इसके मुझे लगता है कि वो ऋतिक रोशन और उनके पापा से ज्यादा खतरनाक नहीं है। कंगना रनौत ने कहा, ऋतिक रोशन और उसके पापा जैसे लोग दूसरों का करियर खराब कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे इस नए बयान पर करण जौहर और रोशन फैमिली कैसे रिएक्ट करने वाली हैं। इससे पहले भी हमेशा से अपने दिल की बात बेबाकी से रखने वाली कंगना ने राजीव मंसद को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे ऋतिक ने उनके ईमेल अकाउंट का मिसयूज करके उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की है। इंटरव्यू के दौरान जब राजीव ने कंगना से पूछा कि जब वो किसी पार्टी में ऋतिक रोशन से मिलती हैं तो दोनों कैसे बिहेव करते हैं, उनके इस सवाल पर कंगना ने कहा, वो मुझे देखकर भाग खड़े होते हैं। उन्होंने बताया, जब हम लोगों का साल 2014 में ब्रेकअप हुआ था उसके एक साल बाद ऋतिक ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। मैंने इस बारे में ऋतिक के पिता से भी बात की थी कि आपका बेटा मुझे परेशान कर रहा है, तो उनका जवाब था कि वो हम लोगों की एक मीटिंग कराकर सारी बात खत्म कर देंगे। उसके बाद से आज तक मैं उस मीटिंग का ही इंतजार कर रही हूँ। कंगना ने कहा है, अगर ऋतिक को अपने परिवार, अपनी इमेज और अपने बच्चों की इतनी ही चिंता है तो वो अपेयर ही न करते।